ये बीजेपी सरकार का काम है डराना, और हम कहना है लोगों को डरो मत। आयोजित किया और भरोसे का सम्मेलन जो आयोजित किया है जिसमें हजारों लोग जुड़े हैं, और ऐसा कम होता है कि जो हम वायदे करते हैं वो निभाते कम हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो वायदे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे, उसको पूरा निभाने का काम उन्होंने किया है। इसीलिए मैं उनको बधाई देता हूं, और उनको मैं ये कहूंगा कि ये स्प्रिट आप कायम रखिए और ये पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज, मैं यहां पर आने के बाद मुझे एक ऐसा लगा कि क्योंकि मैं यहीं से रायपुर से ही कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था चुनके आया, तो उसी लिए मेरे को याद आया फौरन की उसी दिन ईडी के इनकम टैक्स के छापे गिर रहे थे, तो वो याद आया तो मणिपुर का भी याद आया। तो मणिपुर में जो दंगे आज हो रहे हैं, वो दंगे को रुकाने के लिए मोदी साहब कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ ब्लेम गेम, कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस को गालियां देने से मणिपुर के दंगे ठहर जाते हैं? आपके एक इशारे पे, उन्हों कहने से तो दंगे कम होते हैं, भाई ठहर जाता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ दो चार शब्द पार्लियामेंट में, वो भी आखिरी में कहा। वो कहते कहते ये भी कहा उन्होंने कि मणिपुर को छत्तीसगढ़ से तुलना कर दी। आप ही सोचिए, यानी एक प्रधानमंत्री की सोच कैसी है। अरे भाई, हम दंगे रोको, वहां पर जो झगड़े हो रहे, दो ट्राइब में जो आज दंगा चल रहा है, वो रोकने की बात हमने करी।